आप सभी को जूतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित वाहन भगवान सदा आपके परिवार की रक्षा करे। आश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जूतिया व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जूतिया व्रत सबसे कठिन व्रत रखा जाता है। निराहार रह करके अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए माताएं इस व्रत को करती हैं। सप्तमी तिथि को नहाए खाएं और अष्टमी को व्रत रखें। उसके बाद नवमी में इसका पारण करके ही ये व्रत पूरा हो जाता है। जीमूत वाहन नाम से ही जूतिया का नाम रखा गया है। चलिए आपको बताते हैं कि जीमूत वाहन भगवान कौन है और इसकी कथा क्या है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब यह आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उन्होंने उनके पास पहुंची तो उन्होंने सर्वप्रथम मस्तक झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो कृपा करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुना रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और दौड़ी पुत्र अश्वधामा के द्वारा अपने बेटू को मरा हुआ देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, आप कृपा करके हमें ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीवित पुत्र वाहन नाम का एक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवित वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मर गया। बुढ़िया ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गाँव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। यह ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ की उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अति तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के साथ जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैवया और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाव, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांगो, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो वर दीजिए। आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और
कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनकी पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वो लोग उन लोगों के भी कष्ट दूर हो गए। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की ये प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कूस की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाव, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में इसका पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ भगवान धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तर विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक बार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूरा वसनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, हे, यह व्रत और उसके प्रभाव से किसी एक चिनिया ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर इस चिनिया ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिनिया किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी कि उसे भूख लग गई और उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाकर भोजन किया और चिनिया बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ जिससे सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिया छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उनके मंत्री के साथ वारप्रद अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों से स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदुष्ट तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर इच्छावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो कि जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात मार डालो। यह सुनकर राजा ने
उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए। मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी में रखवाकर और पिटारी उनकी माता यानी मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे आठों सिर वेश कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हो आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विषम हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उससे पूछा, हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे मरते नहीं हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीहा थी और तुम सियारिन, हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भाली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से ही बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राज रानी, अब भी तुम इस जीवित का पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथानुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होके बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो ये व्रत विधि पूर्वक करें और इस व्रत का पालन करें। जीवित पुत्र का व्रत की कहानी यहीं पे संपन्न होती है। कहानी पढ़ने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा आप सभी के घर में निरंतर ही बनी रहे। हर हर महादेव।